हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीवी के। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी 19 फरवरी को एक यूके होम ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उसमें उन्होंने बताया है जो लेटेस्ट डिपेंडेंट के लिए, केयर वर्कर के डिपेंडेंट के लिए जो अनाउंसमेंट किया था उसके बारे में उन्होंने पब्लिश किया है। वो क्या अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक पसी है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, बेस्ड इन यूके में। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को सबको बताया, अगर यूके में आना है तो अभी तक सबसे ईजी तरीका था केयर वर्कर वीज़ा पर आना, ठीक है। अब वो चाहे सीनियर केयरर हो चाहे केयर असिस्टेंट हो, तो बहुत लोग आए, बहुत ज़्यादा लोग आए, और आने के बाद यूके के अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, ठीक है। लेकिन अब जो है केयर वर्कर अपनी डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ सकते हैं 11 मार्च से, जैसा कि आप लोग को सबको पता है। लेकिन अगर आप केयर वर्कर भी डिपेंडेंट नहीं लेकर आ सकते हैं और फिर भी आपको यूके के अंदर आना है, तो उसके बाद सेकंड इजीएस्ट वे है स्टडी वीज़ा, ठीक है। यूके में लोग स्टडी करने क्यों आते हैं, क्योंकि सबसे ईजी वे जो है यूके के अंदर आने का वो है स्टडी वीज़ा। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो स्टडी वीज़ा पे आने का, ठीक है, तो आप किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पास कॉल आएगा। किसी भी चीज़ का हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी गाइडेंस में देते हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपको एडमिशन तक आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना होता है, ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप चाहे किसी भी कंट्री के लिए प्लान कर रहे हो, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आप किसी भी कंट्री के लिए अगर आप स्टडी का प्लान कर रहे हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जो टीम है आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, क्या अनाउंसमेंट हुआ है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स ऑर्डर्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स टू बी प्रिंटेड 19 फरवरी 2024। तो 19 फरवरी 2024 ये अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, ठीक है। और क्या है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि देखो, स्टूडेंट के डिपेंडेंट ऑलरेडी इन लोगों ने बंद कर दिए थे, वो ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुका है और वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। जनवरी इंटेक से स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट नहीं लेकर आ सकते, लेकिन जो केयर वर्कर के डिपेंडेंट है वो भी इन्होंने दो ऑक्यूपेशन कोड के 6145 और 6146 के जो ऑक्यूपेशन कोड है उनके जो डिपेंडेंट हैं वो बंद कर दिए हैं। वो 11 मार्च से बंद हो गए हैं। उसके बाद जो भी उस डेट से आगे जो भी इस वीज़ा में आएगा इस कैटेगरी में, वो अपने डिपेंडेंट के साथ नहीं रह सकता है या नहीं लेकर आ सकता है, ठीक है। न्यू एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक सपोज करो आप किसी और डिफरेंट वीज़ा पे हो, कोई भी डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी आपकी, और आप इस वीज़ा में स्विच करते हो, ठीक है, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हो, नहीं लेकर आ सकते, हम इसमें आगे देखेंगे। तो इसमें मेन जो है ये जो और बहुत ढेर सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, तो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। हम जानेंगे अपने केयर वर्कर के जो ऑक्यूपेशन कोड के लिए हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है, चेंजेस टू अपेंडिक्स स्किल वर्कर SW 6.1, द एप्लीकेशन मस्ट बी स्पॉन्सर्ड फॉर अ जॉब इन द एलिजिबल कोड और वेयर रेलिवेंट एंड एलिजिबल जॉब विद इन ऑन ऑक्यूपेशन कोड लिस्टेड एंड एलिजिबल इज अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन और अपेंडिक्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट सब्जेक्ट टू SW 6.1 और 6.2। इफ द एप्लीकेंट इज अप्लाइंग फॉर परमिशन टू स्टे एंड वॉज प्रीवियसली ग्रांटेड परमिशन एज अ स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सर्ड इन द ऑक्यूपेशन कोड 6145 केयर वर्कर्स एंड होम केयरर्स और 6146 सीनियर केयर वर्कर्स अंडर द रूल इन्फोर्स बिफोर 11 मार्च 2024 and since then has continuously had a permission as a skilled worker sponsor in either or both these occupations, except that where paragraph 39e applies, that period of overstaying will be disaggregated. Is applying to continue with the same sponsored as in their most recent grant of permission, the Care Quality Commission regulation requirement for these occupation code does not apply. ठीक है, तो ये आप समझो इन लोगों ने क्लियर कर दिया है, जो ऑलरेडी 11th ऑफ मार्च से पहले पहले हैं यूके के अंदर इस वीज़ा कैटेगरी में,
चाहे वो 6145 हो 6146 हो, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, ये स्टेटमेंट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है और ये रूल इम्प्लीमेंट के लिए नोटिस आ गया है। होम ऑफिस के जितने भी टीम होगी इमिग्रेशन वीजा जो देखती है उन पे ये चला गया होगा कि 11th of March से पहले पहले जो भी डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, और जो ऑलरेडी इस वीज़ा पे है अगर वो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हमने पहले भी देखा था, मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट इन लोगों ने आगे क्या बोला है, एट द स्टार्ट ऑफ SW 29.1 फॉर द एप्लीकेंट द एप्लीकेंट सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट टू SW 29.1.4 द एप्लीकेंट आफ्टर SW 29.9.1 इंसर्ट इन SW 29.1A and B would must not have or be applying entry clearance or permission to stay as a skilled worker sponsored for a job in the occupation code 6145 care worker and home carer or senior care worker was in being granted entry clearance or permission to stay as a skilled worker sponsored in the occupation code 6145 and 6146 senior care under rule in before this. इसमें नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है चेंजेस टू अपेंडिक्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इन टेबल 1 फॉर 6145 सीनियर केयर वर्कर्स ऑल जॉब सब्स्टिट्यूट 6146 सीनियर केयर वर्कर्स जॉब्स विद अ वर्किंग लोकेशन इन इंग्लैंड आर ओनली एलिजिबल इन द ऑक्यूपेशन कोड वेयर द स्पॉन्सर होल्ड द रजिस्ट्रेशन विद द केयर क्वालिटी कमीशन एंड इज करेंटली कैरिंग अस ऑन अ रेगुलेटेड एक्टिविटी। और 6145 के लिए भी सेम चीज़ लिखी है। तो इन लोगों ने ये बोला है जो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड होगा और जो प्रॉपरली लाइक ऑल द रूल्स फॉलो कर रहा होगा सारे रूल्स और जो केयर क्वालिटी कमीशन के अकॉर्डिंग सारी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा वो ही जो है आपको स्पॉन्सर कर सकता है और उन्हीं के वीज़ा जो है अप्रूव होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले हो रहा था कि सबके वीज़ा अप्रूव हो रहे थे और हर कोई उसमें आ रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ केयर क्वालिटी कमीशन से अप्रूव्ड वाले और जो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे सिर्फ वो ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है 11th of March से ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसमें कोई भी इन्होंने चेंज नहीं करा है, ठीक है। तो अब आप लोग जो प्लान कर रहे हैं, अगर आप इस प्रोसेस में हैं, जो कॉज का वेट कर रहे हैं, आप लोग देखो अपना उनसे बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयर से, और होम ऑफिस जो है वो कॉज इशू कर रहा है, अभी भी इशू हो रहे हैं कॉज, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉज इशू हो रहे हैं लेकिन सबके नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 900-1000 के आसपास जो है केयर क्वालिटी कमीशन ने लाइसेंस जो है एम्प्लॉयर्स के वो रिवोक कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं, जिस वजह से अब हर कोई आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता है यूके के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो आप लोग, और आप लोग अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। आई होप कि गाइस अब ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।